समय बहुत ख़राब चल रहा है। हर चीज़ में फेलियर दिखता है। पैसे का नुकसान हो रहा है, जॉब छूट रहा है, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं। जितनी भी मेहनत करें पैसा नहीं रुकता, रिश्ते नहीं रुकते, समाज में सम्मान नहीं रुकता। परेशानियां, लड़ाइयां, घर में झगड़े, क्रोध, एक दूसरे से नाराज़गी, क्या ये चल रहा है आपके घर में? अगर ये चल रहा है तो आप सावधान हो जाएं, बिकॉज इन सब का कारण है आपके पितरों का नाराज होना। श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, कई लोग अब दान करेंगे। जिन्होंने जीते हुए माता पिता का ध्यान नहीं रखा, उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करवाईं, उनका इलाज नहीं करवाया, उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले गए, उन्हें घर से निकालने की धमकियां दी, मारा पीटा तक, अब वो उनका श्राद्ध करेंगे, दुनिया को जो दिखाना है। खैर, ये माइंड रेडियस चैनल आपका स्वागत करता है। अगर आप अपने अवेयरनेस के लिए सावधान हैं, अगर आप अपने आप को जागृत करना चाहते हैं, कुछ ऐसे रहस्य जानना चाहते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी संवरेगी, वेलकम टू माय चैनल माइंड रेडियस एडुलेशंस। ये चैनल इसीलिए शुरू किया गया है कि कुछ चीज़ें जो हम नहीं जानते लोग, मैं जान पाई तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो में आप लास्ट तक अगर इसे पूरे अच्छे से सुनेंगे तो हो सकता है कि आप मेरे कई फ्रेंड्स जो पहले कभी क्लाइंट थे उनकी तरह आप भी मुसीबतों से आज़ाद हो पाएँ। कितना समय लगेगा कितना नहीं, ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। सो कुछ शेयर करती हूँ, कुछ पॉइंट्स आपके साथ। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप ये समझ लीजिए वो सिर्फ आपकी नहीं है। वो प्रॉब्लम्स, वो चिंताएं, वो दुख, वो दर्द आपके पैर, आपके एंसेस्टर्स के, यानी कि आपके पितरों के हैं। हम जिस तरीके से बायोलॉजिकली सेल्स अपने शरीर में धारण करते हैं, उसी तरीके से हम अपनी बॉडी में अपने पितरों के, अपने एंसेस्टर्स के, दाद के साइड, नान के साइड के, उनके हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी लाइफ में लाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हाथ उठाते हैं, जिस तरह से खाना खिलाते हैं, इवन आपकी आवाज़ तक, आपका बिहेवियर, आपके संस्कार कई बार आपके माता पिता या आपके रिलेटिव्स जैसे होते हैं। अगर बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार जॉब छूट रहा है, दोस्त नहीं बनते, रिश्ते नहीं बनते, कोई बिजनेस डालते हैं वो फेल हो जाता है, दूसरा शुरू करते हैं वो फेल हो जाता है, नौकरी बार बार छूटती है, इन सब में का एक कारण है, वो है आपके पितर। जिस परेशानी में वो रह रहे हैं, जिस परेशानी को उन्होंने झेला, जिन मुसीबतों को उन्होंने झेला, जिन फेलियर्स को उन्होंने झेला, और वो बड़े नाराज़ होके इस दुनिया से विदा गए। हो सकता है आप अगर रिश्तों में कोई कड़वाहट झेल रहे हैं तो आपके किसी पितरों के साथ बड़ा ही दुखद अनुभव उनका रहा है रिश्तों में, और वो वही दुख आपकी ज़िंदगी में आएगा रिपीट होके, क्योंकि ये पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मैंने ये रहस्य मेरे गुरु से जाना, मेरे गुरु रेवर्ड गुरु से कई रहस्य मैंने जाने पिछले जन्मों के, इन जन्मों के। सो अगर मैं जान गई हूँ कोई रहस्य तो वो छुपाना नहीं चाहती, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि इस YouTube चैनल पर माइंड रेडियस के ज़रिए आप भी अपनी ज़िंदगी को सुंदर बना सकें। अगर आप
के पितरों के में से किसी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, कोई तलाक हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था, मारा पीटी हुई थी, या बहुत ही मधुर थी, दोनों ही तरीके से, तो उसका फल, उसका सेम रिएक्शन आप देखेंगे कि फैमिली में मिलता है। मैंने जब तक नहीं जानती थी नहीं समझा था, लेकिन बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे क्लाइंट्स की लाइफ स्टडी करने के बाद, उनको ट्रीट करने के बाद यह जाना कि हाँ यह सच है। कम से कम 40 से 50 क्लाइंट्स जो हैं वो जो बहुत बुरी ही मुसीबत में, फिनेंशियल और हेल्थ की, इवन रिलेशनशिप और करियर के इसमें गर्त में थे, मैंने जाना कि या इवन सुसाइडल अटेम्प्ट्स, बहुत ही बुरी बीमारियां, उन सब का राज पिछले जन्म में था। सो कई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाते हैं जिससे हमें जानकारी मिल जाती है, लेकिन ये जो विधि है, इट्स अ टोटल साइंटिफिक, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इट्स टोटली साइंटिफिक, और यह आपको आपके साथ बताती है कि जीन्स में किस तरीके से हमारे बिलीव्स, हमारे साइकोलॉजिकल बिलीव्स, हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट्स, हमारा अनकॉन्शियस बिहेवियर सारा उनके थ्रू आता है। सो जिस तरीके से पहले इलाज करने के लिए डॉक्टर पहले चोट को हटाते हैं, चोट को साफ करते हैं, है ना, किसी दवाई से, उसके बाद मरहम लगाते हैं तो वो ठीक होता है, इसी तरीके से कोई भी अगर बीमारी हमारी मानसिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, तो हम पहले उसको हटाएंगे, फिर हम उसका बीमारी का इलाज करेंगे। सो पितृपक्ष जो है वो हमारे लिए, जो कि 10 सितंबर कल से शुरू हो रहा है, से लेकर 14 दिन तक रहता है, सो जो 25 सितंबर तक ये रहेगा। सही डेट आप अपने कंट्री के हिसाब से यू कैन सी। सो इन ये दिन जो होते हैं, जिस तरीके से हम अलग अलग देवी देवता धरती पर आते हैं और हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, सो ये टाइम जो रहता है ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसलिए कि इस समय हमारे पितृ, हमारे एंसेस्टर्स हमें आशीर्वाद देने इस धरती पर आते हैं, एंड बिलीव मी दे आर एज पावरफुल नाउ एज द गॉड एंड गॉडेसेस देमसेल्फ, वो उतने ही पावरफुल होते हैं जितने कि गॉड गॉडेसेस होते हैं इस समय। आपने अगर अपने पितरों के साथ जीते जी गलतियां की हैं, उन्हें गालियां दी हैं, उनकी प्रॉपर्टी छीनी है, उन्हें मारा पीटा है, उन्हें खाना नहीं दिया, उन्हें प्यार इज्जत सम्मान नहीं दिया, और आप अगर सोचें कि आप एक सिंपल दान करने से, किसी को खाना खिलाने से या गया जाकर पिंड दान करने से मुक्त हो जाएंगे, माय डियर फ्रेंड्स आई एम सॉरी, जो गलतियां आपने अपने एंसेस्टर्स के, जो आप एंसेस्टर्स हो गए उनके साथ की है, आप अगर समय रहते माफ़ी मांगें तो हो सकता है आपको उन ऋणों से आज़ादी मिल जाए। पितृ ऋण सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और चाह कर भी कभी आपकी ज़िंदगी से नहीं जा सकते। ये मैं यहाँ पर श्राद्ध कर्म की बात नहीं कर रही हूँ कि पिंड दान करना और गया दान करना, ब्राह्मणों को खिलाना, उनको कपड़े देना, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपके कर्म, आपके थॉट्स आपके कर्म हैं, आपके कर्म आपके थॉट्स हैं, तो आप अगर इन थॉट्स को
क्लीन करते हैं, अपनी कॉन्शियस को जगाते हैं, सही और गलत में फ़र्क समझते हैं और अपनी ज़िंदगी का यापन करते हैं, अपने गलतियों की माफ़ी मांगने का इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप अपने पितरों को स्पेशली इन दिनों में और डेली बेसिस पर आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन बना कर रख सकते हैं। ये विधि मैं अभी शेयर करूंगी आपके साथ। देखिए, जो एंसेस्टर्स हैं वो हम जब बॉडी छोड़ के जाते हैं तो हम एक सोल बन जाते हैं, और हमारी बॉडी तो छूट गई लेकिन वो सोल चली जाती है एक ब्रह्म स्थान पर। वह ब्रह्म स्थान पितरों का स्थान होता है, जिसका कंट्रोल विष्णु जी के हाथ में है। हम जो भी बोलते हैं उनके प्रति, पितरों के प्रति जो भी दान करते हैं और उनका कल्याण अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो सब कंट्रोल विष्णु जी के हाथ में है। देखिए, सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जब तक आपके पितर अशांत हैं, वो अशांत हैं क्योंकि आपने उन्हें परेशान किया, आपने उनको इस कदर बुरी हालत में छोड़ा, इस कदर उनके से बदतमीजी की, इस कदर उनके हैरान परेशान किया कि वो एक इच्छाएं अपनी, क्रोध अपने अंदर, दुख और पीड़ा लेकर इस संसार से विदा हुए, और वही थॉट्स बनकर, वही चिंताएं, वही दुर्भावना या वही क्रोध आपके अंदर श्रापित होता है। तो आपके दुख आपके ही नहीं हैं, वो दुख आपने जो अपने एंसेस्टर्स को दिए वो आपके पास वापस आते हैं। इसीलिए ये साइकिल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि इंसान जब तक उसके ऊपर डंडा लेकर ना खड़ा हो कोई, तो वह डरता नहीं है, सोचता है किताबी बातें हैं, कर्म किताबी बातें हैं, पितृ संस्कार किताबी बातें हैं, सब कुछ जो सिर्फ दिखाया किया जा सके वो किताबी नहीं है ना। तो आपने सोचा ये किताबी बातें हैं तो आपको कब समझ आएगा, आप तो इस संसार से चले जाएंगे, जब आपकी अगली पीढ़ियां आपके बुरे कर्म के कारण एक के बाद एक कष्ट पाती रहेंगी जन्मों जन्मों, तब आप क्या करेंगे। हो सकता है आप अभी अपना अपने बहुत परेशान किया, अपने माता पिता को भी आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, जब वो बिस्तर पे थे तो आपकी पार्टियां चल रही थीं, आपने बहुत बुरे उनके साथ हालात किए, है ना। आप ये मेरी बात मानिए कि सेम हालात आपके साथ होने वाले हैं। अब आप नहीं जानते कब आपके कर्मों की वो खत्म हो जाए, बोरी में से कब कर्म खत्म हो जाए, खत्म होते ही आपके अच्छे कर्म खत्म होते ही वो कर्म शुरू होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि बुरे कर्मों से बचिए, क्योंकि यही कर्म आप लेके जाएंगे और डिसेंडेंट्स में, यानी अगली पीढ़ियों में वही आएंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सब पितृ विष्णु लोक में होते हैं, विष्णु जी उनका ध्यान रखते हैं। हम जो भी भोजन देते हैं, पूजा देते हैं, कोई सामान देते हैं, वो यमराज के थ्रू उनके पास जाता है, है ना। अब हम जब इनको कुछ सामान देते हैं, हमारी पीड़ा, ये बहुत ही, जब यहाँ से बहुत दुखी होकर जाते हैं तो अपने अंदर वो पीड़ा लेके बहुत तड़पते रहते हैं, क्योंकि वही पीड़ा, जैसे मुझे भूख लगी तो मैंने खाना बनाया, खा लिया, खरीदा, खा लिया, है ना। लेकिन उस विष्णु लोक में खाने का कोई प्रबंध नहीं है ऐसा,
ना उनके पास शरीर है, ना उनके पास हाथ पैर है, तो बहुत दुखद स्थिति में कई पितर रहते हैं, स्पेशली वो जिनको आपने परेशान किया था। देव पितर भी होते हैं, अलग अलग पितर होते हैं, लेकिन जो परेशान पितर हैं वो आपको परेशान करते रहते हैं, करते रहेंगे जब तक आप क्षमा याचना नहीं करेंगे और उनको नहीं उनको कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। फिर से पॉइंट की तरफ वापस आते हैं, आप उनको आप सहयोग जब करते हैं आगे जाने के लिए, ऊपर एक हायर डोमेन में जाने के लिए, तो कैसे करते हैं, आप उनको आज़ाद आपको कराना है उनके दुखों से। वो दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपने उन्हें कष्ट दिया, क्योंकि आपने उन्हें परेशान किया, क्योंकि आपने उनको अभाव में छोड़ा, जिन्होंने अपने दूध से आपको सींचा, उनको आपने गालियाँ दी, उनका उनका सब कुछ छीन लिया, प्रॉपर्टी से लेकर उनका सुख तक उनके पास बैठे नहीं आप कभी, है ना। और ये चलता रहा। अब आप जब तक उन्हें आज़ाद नहीं करा देते हैं या उनको सुख नहीं देते, तो वो परेशान रहते हैं और आपको भी वही पीड़ा, वही थॉट आपको आते हैं। तो आपको खुद खुश रहने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय आए, पहले आपको उनकी पीड़ा दूर करनी है, ताकि वो विष्णु लोक में आगे बढ़ सकें सक्सेसफुली। जब वो आगे सक्सेसफुली बढ़ पाएंगे, अपने आप को शांत कर पाएंगे, तभी आपकी ज़िंदगी भी शांत होगी। ये मत समझिएगा कि ये किताबों में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो बहुत खुश हूँ। अंदर अंदर आपकी कॉन्शियस जानती है कि आपने बहुत अत्याचार किया था, ना केवल माता पिता पे, अपने जी भर के झूठ बोला, बहनों भाइयों का सबका हिस्सा छीना, उनको बहुत परेशान किया, पैसे लूटे, माँ बाप के पैसे लूटे, छीन लिए, उनको दर दर का भिखारी बना दिया, आपने बहुत परेशान किया। और वही लोग, वही हालत आपकी होगी। इसलिए अगर आप इसको समझ पाएं और इन कठिनाइयों से निकलने के लिए माइंड रेडियस आपकी मदद करना चाहता है, आप माने आपकी मर्ज़ी, आप नहीं माने आपकी मर्ज़ी। सो ये चैनल जो है, क्योंकि ये साइंटिफिक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल मुद्दों को से जुड़ा है, तो आप अगर बिलीव करें यह आपकी इच्छा है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक डाल रही हूँ जो कि आपको करनी है और डेली करनी है, लेकिन मॉर्निंग यानी सूरज डूबने से पहले आपको ये विधि करनी है। पितृ बहुत छोटा सा ही कुछ भोजन ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वीलोक पे इन दिनों रहते हैं, दरवाज़ा तो हमारा डेली नॉक करते हैं, लेकिन बहुत कम समझ पाते हैं लोग कि हमें पितरों को दान डेली करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते, तो कम से कम इन दिनों आप माफ़ी मांग के अपने कर्मों की किए कि अभी भी माफ़ी मांग कर आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। सो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये छोटा सा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइंड रेडियस आपके साथ फिर से है। माइंड रेडियस आज आपको तर्पण के बारे में बताने जा रहा है। तर्पण जो है एक ऑस्पिशियस सेरेमनी और रिचुअल है, जो कि पितरों के लिए, इंसेस्टर्स के लिए किया जाता है। दिस ड्यूरिंग दी श्राद्ध डेज फ्रॉम 10 सितंबर टू 25 सितंबर। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि अगर आप श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का, तो ना केवल आप अपने पितरों को रिलीव करते हैं, बट आप अपने दुखों को भी रिलीव करते हैं। आपने अगर गलतियां की हैं और या नहीं भी की हैं, तो आप इसको इसको रिचुअल को करके आप अपने ऋणों से, अपनी गलतियों से क्षमा याचना कर सकते हैं।
ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 10 सितंबर टू 25 सितंबर दीज एंसेस्टर्स आर अवेलेबल ऑन अर्थ प्लेन. सो इसलिए इसको पितृ ये कहा जाता है, एक पितृ का एक फेस्टिवल कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम ये 15 दिन पितृ एंसेस्टर्स जो हैं दे कम ऑन अर्थ एंड दे ब्लेस अस. इफ़ वी आस्क फॉरगिवनेस, अगर हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और उनको भोजन प्रदान करते हैं और हर वो चीज़ की जो हमने गलतियाँ की उसका सॉरी बोल के अपना क्षमा याचना करते हैं, तो हमारे पितृ ज़रूर प्रसन्न होकर हमें माफ़ी देते हैं. अगर आपको कोई लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, काम अटक रहे हैं, तो आप जो है क्षमा याचना कीजिए. आप स्वयं जानते हैं कि आपने क्या गलत किया. यू नो वट हैव यू डन रॉन्ग विद देम वेन देवर अलाइव ऑन दिस अर्थ. नोइंगली अनोइंगली यू मस्ट हैव डन मैनी मिस्टेक्स. सो आस्क फॉर फॉरगिवनेस. मैं आई एम डेमॉन्स्ट्रेटिंग कि आपको किस तरीके से करना है. ये जो लोगों का कहना है कि श्राद्ध सिर्फ आदमी ही करते हैं, अगर आपको विश्वास है, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, मैं जो कि एक इंटरनेशनल गुरु हैं उनसे, और ही इज़ अ साइंटिस्ट, ही इज़ अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट. सो आप अगर बिलीव करते हैं, आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, आप करें. नहीं विश्वास हो तो बिल्कुल ना करें. सो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग. सो दिस इज राइस. ओके, यू कैन यूज दिस राइस. दिस इज ब्लैक सेसमे सीड्स, जिसको काला तिल बोलते हैं. इंडिया में आसानी से मिलता है और दूसरे स्टोर्स में भी, अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव, इन इंडियन स्टोर्स दे हैव. नाउ दिस इज़ नोन एज यू नो, दिस इज़ अ स्पेशल ग्रास. दिस इज़ अ ड्राई ग्रास. इफ़ यू गो टू एनी इंडियन स्टोर तो यू कैन गेट इट. और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रास होती है, धरबा ग्रास. इसको यूज़ करते हैं हम एंसेस्टर्स को ऑफरिंग देने के लिए. और दिस इज़ सैंडलवुड पाउडर, राइट, चंदन पाउडर. सो एक्चुअली एज आई टोल्ड यू कि जो एंसेस्टर्स हैं, सिंस दे डोंट हैव एनी बॉडी, दे डोंट हैव माउथ, दे डोंट हैव लेग्स, दे हैव, बट स्टिल दे हैव फीलिंग्स एंड दे ट्राई टू, दे कम एवरी डे इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग टू देयर डिसेंडेंट्स होम एंड आस्क फॉर फूड. So, food, because, let me not go into depth, it is very painful. So, आप जब उन्हें संतुष्ट करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं. तो आपको क्या करना है, let me tell you, there is also, you have to keep water. सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें arrange करके रख लेनी हैं. Also, if बिलपत्र आर जो कि शिवजी पर चढ़ाए जाते हैं, एक 3 पत्ते वाला एक बिलपत्र अगर आपके पास अवेलेबल हो, और साथ ही साथ तुलसी भी अवेलेबल हो, दैट ऑल्सो यू कैन कीप. तुलसी लीव्स एंड बिल लीव्स इफ़ अवेलेबल इन योर कंट्री, हुसएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स वाई आई एम मेकिंग इन यू नो डुअल लैंग्वेजेस, यू कैन गो एंड हैव देम ऑल हियर. नाउ द थिंग्स आर रेडी. वॉट यू हैव टू डू इज, there are two ways, you can take them in full, right, or what you can do, you can have little like in your hand. Be careful that you have to face towards south, right, towards the south, because south is the direction which is the direction of Yamraj, which is the direction where all our offerings are taken by Yamraj, and Yamraj takes it to the ancestors, right? So you take rice, you take little bit of sesame seeds, and give me a second. Also, you have to take a coin. Okay, I just forgot to bring it here. The coin also should be there. A coin, whichever country you have, you live in, it can be 10 cents, it can be 50 cents, or it can be a gold coin, or it can be a silver coin. You have to take the coin. Since I am also performing, this is the time when we have to perform. Just give me a second, I'll bring the
कॉइन। I brought the coin. You can have a coin, as I said, not a currency note, but a coin. So I am putting coin here. Rice, sesame seeds, coin, and I'll put darba in my hand. I can also do like this, that I can roll it in my finger like this. I can roll it like this. Hope you can see this. Or you can simply put it like this. Also have some sandal powder. You see, like this, as I told you, you can put it, you can grind it. आप इसको पीस सकते हैं, ये सामान को पीस कर आप एक डब्बे में रख सकते हैं, और आप या इसको आप इसको डेली इस तरीके से बिना पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं. Now be careful कि ये सुबह means 12 बजे के बाद से शाम को 6 बजे के बीच में ही करना है, because सूर्य अस्त होने के बाद descendants जो हैं वो अपने लोक में चले जाते हैं, that विष्णु लोक में चले जाते हैं. So आपको ये काम उससे पहले करना है. आप जब करते हैं, देखिए, यू आप इसको एक साफ़ सुथरी जगह पे कीजिए, क्योंकि पितृ भी जो हैं वो देवता हैं, तो गंदी जगह, गंदे बर्तन इसमें आपको नहीं करना है. और ये मैंने कहा कोई भी कर सकता है, अगर बड़े बुज़ुर्ग जो भी आपके घर में जिनकी रीसेंट डेथ हुई हो आप कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट 7 आपकी जो पीढ़ियाँ हैं, 7 पीढ़ियों के लिए आप ये कर सकते हैं. बिलीव मी, this is a spiritual technique which has got me so much of peace. I just do not know, maybe that I have been able to put my ancestors to peace. मैं घर की बड़ी लाडली, वेरी लाइक बहुत बहुत लाडली घर की पहली बेटी थी. सो मुझे घर में सब बहुत प्यार करते थे, ना दादाजी हैं ना नाना जी हैं, मम्मी डैडी भी जो हैं वो अब मेरे साथ नहीं हैं, तो उनके साथ बहुत सारी इश्यूज़ गए, बहुत सारी चीज़ें गईं. तो जब इश्यूज़ रिपीट होते हैं, कुछ लगातार प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, बाय माय गुरुज़ ग्रेस आई गॉट टू नो कि दीज आर द रीजंस, देर आर एंसेस्ट्रल रीजंस, माय गुरु कॉल्स इट सोल जेनेटिक्स, राइट, जो मैंने बात की है वीडियो में. सो वीडियो भले ही लंबा हो रहा हो, लेकिन आप ये समझें, चीज़ को समझें कि किस समय, कब, कैसे करना. और न केवल श्राद्ध में करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेली अगर आप करेंगे, देन यू विल सी दैट हाउ पीसफुल योर लाइफ गेट्स. वंस योर एंसेस्टर्स गेट पीसफुल, यू गेट पीसफुल. सो अब आप क्या करेंगे, आपने ये सब लिया, और अभी आप अपने, सबसे पहले आप अपने गणेश जी को याद करेंगे. ओम गम गणपतये नमः. फिर शिव जी का नाम लेंगे, शिवाय नमः, शिवाय नमः. फिर उसके बाद आप गुरु जी का अपने नाम लेंगे, अगर आपके कोई गुरु हैं. ओम ऐं ह्रीं सर्वलोकाय आदित्याय शिव सद्गुरु बाबाय स्वाहा. मैंने अपने गुरुजी का नाम लिया ताकि उनका आशीर्वाद मेरे मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पितरों पर रहे, और वो जो है मेरे पितर जिस भी लोक में हैं वो शांति पाएं, वो आगे की ओर जाएं, ताकि वो अपना उस लोक में अपने जीवन को अच्छा बना सकें. अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले
इमेजिन करेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी यानी हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारा जो बैक है, वहाँ से एक लाइट नीचे से जहाँ टेल बोन होती है, वेयर द प्लेस वेयर वी हैव अ टेल बोन, दैट वाइट लाइट कम्स थ्रू, पासेस थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम एंड गोज अक्रॉस ऑल द चक्रास इनसाइड. देर आर 7 चक्रास, यू नो. सो वहाँ से पास होते हुए, वर्टिब्रल कॉलम के टेल बोन से पास होते हुए, वाइट लाइट जो है पास होते हुए एकदम आपके सिर से निकलती हुई, चक्रों से निकलती हुई यहाँ से निकल जाती है. और दिस लाइट इज़ अ हीलिंग लाइट ऑफ ऑल द बैड कर्मास यू हैव स्टोर्ड इन योर चक्रास. जो आपके चक्र में बुरी एनर्जी है वो निकलती है और आपके ऊपर जाकर आपके एंसेस्टर्स को भी हील करती है. आप हील होते हैं, एंसेस्टर्स हील होते हैं, एंसेस्टर्स हील होते हैं, आप हील होते हैं. वेदर इट्स योर हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, बिजनेस जॉब प्रॉब्लम, यू सी एवरीथिंग हैज़ इन योर जेनेटिक्स. सो If you believe me, if you believe my guru, if you believe in this technique, it's up to you. If you get a good solution and if you life, I bless you. I bless you that you'll let your all your problems vanish away. और आप इसको कोशिश कीजिए, डेली कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है. द माइंड रेडियस का जो मेन पर्पज़ है वो लोगों का हैंड होल्ड करके उनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है. इस पर इसका पर्पज़ जो है आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना के आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है. सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है इसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी सुंदर बनाइए. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आपने ये जो पानी रखा था, इट शुड बी यू नो ड्रिंकेबल वाटर. तो आपने पानी लिया, आपने अपने एक ना मुझे राइट हैंड में लेना है, राइट हैंड में आपने सब लिया, सब सारा सामान. थोड़ा सा आपने, मैं थोड़ा सा और अमाउंट लेती हूँ क्योंकि गिर गया है. हाँ, वन थिंग मोर, यू कैन यूज़ दिस कॉइन, दिस ऑल दिस दिस लाइक दिस ग्रास एवरी डे. यू कैन वॉश दिस कॉइन एंड देन यूज़ इट. और जो मटेरियल है ये आप अपना इसको मिक्स मत करिए, इसको अलग से डब्बे में रखिए. डोंट टच, इसको गंदे हाथ मत लगाइए. जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं इसी तरीके से पितर हमारे देव हैं, तो उनको भी साफ़ सुथरा, साफ़ डब्बे में, साफ़ सामान, साफ़ बर्तनों में देना है. ठीक है, तो ये आपको डेली करना है 25 सितंबर तक. और ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं, माइंड रेडियस की ब्लेसिंग है आपके लिए कि जिस तरह से कई क्लाइंट्स को इन इश्यूज से, अपने इश्यूज से फ़ायदा मिला, आपको भी मिले. सो अब आपको क्या करना है, ये जो सामान था उसमें आपको थोड़ा पानी लेना है और अपने एंसेस्टर्स को याद करना है, बोलना है मेरे एंसेस्टर्स, ओ माय एंसेस्टर्स, प्लीज़ यू आर ऑन दिस अर्थ प्लेन, please come and have this offering and be satisfied, give us your blessings, please be relieved of all your pain, all your issues you had here on this earth plane, or you are still struggling, might be struggling over there. I your child is offering you and ask for forgiveness. Please forgive me, please forgive me if I have committed any mistake. My ancestors, please forgive me. फिर आप ऐसा बोलेंगे. थोड़ा और पानी डाल लेती हूँ. दोनों हाथ रखेंगे ऐसे. मेरे पितरों, मैं पिछली 7 पीढ़ियों के पितरों को अपने पहले अपने यू नो ग्रैंडफादर साइड, अपने फादर के साइड के 7 पितरों को, फिर अपने मदर के साइड के 7 पितरों को आप याद करेंगे. तो सबसे पहले हम पिता के साइड के 7 पितरों को याद करते हैं. मैं तो, मेरे डैडी भी नहीं हैं, दादाजी भी नहीं हैं, तो मैं उन सबको याद करके प्रणाम करते हुए बोलती हूँ कि हे मेरे पितरों, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप टेंस हैं, अगर आपको कोई वहाँ पर दिक्कत आ रही है, ईश्वर आपको रिलीव करे, आपको शांति दे, आप अपनी चिंताओं से मुक्त हों और विष्णु लोक की ओर आगे बढ़ें, आपकी यात्रा उस विष्णु लोक में सफल हो. ईश्वर आपको हायर डोमेन में भेजे ताकि आप प्यार पा पाएँ और फिर से मनुष्य बनकर इस धरती पर अगर आना चाहें तो ईश्वर कृपा से आएँ. आप ये भोजन ग्रहण करें, 2 मिनट शांति रखें,
जैसे कि वो आकर भोजन ले रहे हैं, उन्हें याद करें, उनको अपने मन में प्रणाम करें। उसके बाद आप इसको सामग्री को पानी से इसमें मतलब डाल दें, पूरा वॉश कर लें। हे पितरों, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपने फादर साइड के पितरों को स्थान ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं ताकि वो वापस अपने स्थान पर चले जाएं और आप उनको प्रणाम करें। अब आप फिर से और दूसरी बार अपनी मम्मी के साइड के यानी नान के साइड के पितरों के लिए सामग्री लें। फिर से आप हाथ जोड़ के थोड़ा इसमें जल डालें। फिर से वही प्रार्थना करें कि मेरे मम्मी के साइड के पितरों यानी मेरे नानके के पितरों, मेरे सात पीढ़ी के नानके के पितरों, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपको जो भी कष्ट यहाँ इस धरती पर हमने दिया, जाने अनजाने में या आपके साथ कोई बदतमीजी की, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, या आप किसी कष्ट में हैं, किसी जाने अनजाने कष्ट में, किसी दुख में अगर आपने जीवन जो त्यागा, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपकी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। हे मेरे साथ पीढ़ियों के नानके साइड के पितरों, आप जिस दुख में गए हैं, यहाँ से आपने जाना किया है, ईश्वर आपकी यात्रा को वहाँ सफल करे। आपको जिस पर्पज़ के लिए जीवन यापन होना चाहिए वो आप कर पाएँ। हमें माफ़ी दें, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई गलती मुझसे हुई हो, अगर मेरे बच्चों से कोई गलती हुई हो, मुझे माफ़ करें। और जिन लोगों ने भी मेरे परिवार के आपके साथ के दूसरे लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, माफ़ी दीजिए मेरे पितरों। आँखें बंद करके प्रार्थना कीजिए, उन्हें याद कीजिए, ये भोजन ग्रहण कीजिए। प्लीज़ कम माई डियर एंसेस्टर्स ऑफ माई मदर्स साइड ऑफ 7 जनरेशंस, प्लीज़ कम एंड हैव दिस फूड। प्लीज़ रिसीव माई रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट माई रिस्पेक्ट, आई लव यू। मे यू बी रिलीव्ड, मे यू बी पीसफुल, वी लव यू। प्लीज़ कम and have this food. Please forgive us if we have done something wrong knowingly or unknowingly. Please forgive us. Wash this, wash your hands, और ये सामग्री पानी में डाल दीजिए। आप इस कॉइन को धोकर रख सकते हैं और आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं वॉश करके। ये करने के बाद आप अपने हैंड वॉश अच्छे से कर लीजिए और उनको आग्रह कीजिए कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। हे पितरों, हे मेरे
मम्मी के साइड के पितरों, मेरे नान के साइड के पितरों, आप अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बी पीसफुल, पीस 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 पीस, पीस टू एवरीवन, पीस टू यू, पीस टू अस, पीस टू एवरीवन। Now you can finish this, wash your hands and put these, you can put this, जो भी ये सामान है ये आप इसको छान के डस्टबिन में फेंक दीजिए, और या आप ये पानी किसी ऐसे पौधे में जिसमें जो पूजा पाठ का ना हो, जैसे तुलसी वगैरह को छोड़ के यू कैन पुट दिस, ये पानी वहाँ डाल सकते हैं और ये तिल पक्षियों को डाल सकते हैं, या आप डस्टबिन में आप डाल सकते हैं। So from my side, from my radius side, I have tried my best that I help you if you are in some trouble, financial, mental, emotional, or relationship or career related. So bless my radius and please bless me, my children, and also my ancestors that I have been able, and I thank God and thank my Guru, thank my parents that I've been able to bring this to you. I love you all. Thank you.